ये दृष्टांत है। नूह जो है, नूह जो पानी के बीच में है अपने परिवार के साथ, वो एक दृष्टांत है। और वो किस चीज का दृष्टांत है? वो बपतिस्मे का दृष्टांत है। वो हमारा जीवन बपतिस्मे से पहले था, वही बपतिस्मे के बाद भी होता है। बपतिस्मे से पहले भी सुट्टा लगा रहे थे, नशा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे के बारे में। आज जो बपतिस्मे का है ये दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने बपतिस्मे के अर्थ के बारे में सीखा था। बपतिस्मे के बारे में जो है बहुत सी बातें हमने पिछले संदेश में यानी पहले भाग में सीखी थी। आज हम जो है दूसरे भाग में बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे। पहला जो पॉइंट है कि बपतिस्मे का दृष्टांत, जिससे पानी के बपतिस्मे की स्थापना हुई है, ये कब हुई और कैसे हुई, इसको जरा सीखेंगे और इसको जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 से 21 पद तक है। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, तब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वे जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये आप पद जब आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 6 अध्याय 7 अध्याय तक आप जाएंगे, उसके 24 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर जल प्रलय का वर्णन दिया गया है। नूह के समय की बात है। इसका 21वां पद है, ध्यान दीजिएगा। अब 21वें पद की ओर, उसी पानी का दृष्टांत भी। किस पानी का दृष्टांत? नूह के समय के पानी के दृष्टांत की बात हो रही है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब यहां पर समझिए कि नूह जो है कहां है? नूह जहाज में है। नीचे जो है जहाज क्या है? पानी के ऊपर, यानी अथाह पानी है। और मूसलाधार बरसात जो है वो 40 दिन तक हो रही, यानी बादल जो है वो भी पानी है और पानी गिर रहा है, यानी नूह और उसका परिवार पूरी तरीके से पानी के बीच में है, पानी में है। चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, वो पानी में है, यह ध्यान रखिएगा। और ये पानी में है का मतलब क्या है? ये दृष्टांत है। नूह जो है, नूह जो पानी के बीच में है अपने परिवार के साथ, वो एक दृष्टांत है। और वो किस चीज का दृष्टांत है? वो बपतिस्मे का दृष्टांत है। देखिए स्थापना कहां से हो रही है, किस चीज का दृष्टांत है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ये नहीं है कि सिर्फ बपतिस्मे का दृष्टांत है, क्योंकि बपतिस्मे का मतलब क्या है कि यीशु मसीह जो है, हम अपने पापों को मानकर जब हम यीशु मसीह में हो जाते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे पाप जो है वो हम अपने पापों के साथ दफन हो गए और जी उठे, तो यीशु मसीह के साथ एक नए जीवन के साथ जी उठते हैं। यहां पर क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। यहां पर नहाने का मतलब नहीं है कि हम चलो नहा रहे हैं, कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि जब बपतिस्मा लेते हैं नदी वगैरह में जाकर, तो वो नदी में तैरने लगते हैं, खेलने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, वो नहाने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वहां पर नूह के समय में लोग क्या थे? शुद्ध तरीके से, शुद्ध विवेक से वो परमेश्वर के अधीन नहीं हुए थे। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किया था। उन्होंने उस बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर नहीं फिरे थे, परंतु नूह और उसका परिवार जो था वो परमेश्वर की ओर फिरे थे और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ थे वो। आज बपतिस्मे का यही अर्थ होता है, इसलिए वो कहता है सबसे पहले क्या कहता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। देखिए मन फिराना है, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया जाता है, और यही शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हो जाने का अर्थ जो है वो है बपतिस्मे का जो मतलब है। मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं, समस्त इज़राइल ने जो है, बहुत से लोग ये पद भी कोट करते हैं इसके बारे में, आगे भी चौथा जो इसका पाठ बनाएंगे उसमें भी इस बारे में चर्चा होगी।
मगर मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं कि इस सारी इज़राइल का भी बपतिस्मा हुआ था। यहां पर लिखा है पहला कुरंतियों 10 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे, और सबने बादल में और समुन्दर में मूसा का बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिएगा, सबने बादल में और समुन्दर में, यानी समुन्दर के बीच में थे, पानी में थे, वो पानी के अंदर थे, इधर पानी खड़ा हुआ था, इधर पानी खड़ा था और ऊपर बादल था, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा इस तरीके से लिया। उसमें डिटेल और आगे देखेंगे, मतलब ये पानी का जो सिद्धांत है, ये जो शुरू से चला आ रहा है डूबने का, पानी के अंदर डूबने का, ये बपतिस्मे का सिद्धांत है, बपतिस्मे का दृष्टांत है जो परमेश्वर का वचन कहता है। मगर बपतिस्मे का सिद्धांत अलग होता है, ये बपतिस्मे का दृष्टांत था। अब हम सिद्धांत की बात करेंगे कि बपतिस्मे का सिद्धांत क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 और 38 पद यहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। फिर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब ध्यान करना, सबसे बड़ी बपतिस्मे का सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत मन फिराना है। किस बात से मन फिराना, अपने पापों से, अपनी सारी बुराइयों से, अपनी उन सारी गलतियों से, उन सारी बुरी आदतों से, उन सारी बेकार की बातों से, उन सारी उन बातों से जिससे परमेश्वर नाराज होता है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, उन सब चीजों से मन फिराना है, उनसे अपने मन को हटा लेना है और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है। ये कब होता है, जब हृदय छिद जाते हैं। जब हृदय छिदने का मतलब कायल हो जाते हैं, जब लोगों ने सुना, पतरस बता रहा है कि यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ, उसको कितनी यातनाएं दी गई, उसके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके 39 कोड़े मारे गए, उसके हाथ पैरों में कीले ठोक दी गई, उसको बहुत भयंकर पीड़ा दी गई। उस भयंकर पीड़ा को सुनकर उनके हृदय कायल हो गए और वो इतने कायल हो गए, बोले कि हम क्या करें, हम उस प्रभु के होना चाहते हैं जिसने हमारे लिए इतनी पीड़ा सही, जिसने हमारे लिए इतना दुख सहा। तब वो कहता है कि ये हमारे पापों के लिए वो मरा, इन बुराइयों के लिए मरा है, इसलिए इन बुराइयों को छोड़ो। परंतु हमारे जीवन में क्या होता है, बुराई बनी रहती। जो हमारा जीवन बपतिस्मे से पहले था, वही बपतिस्मे के बाद भी होता है। बपतिस्मे से पहले भी सुट्टा लगा रहे थे, नशा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, चुगली कर रहे थे और स्वार्थी जीवन जी रहे थे, वही बपतिस्मे के बाद भी होता है। तो इसका मतलब कि हमने मन नहीं फिराया और अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी। अपने पापों की क्षमा के लिए जो है हम जो है बपतिस्मा लें। जब हम अपने पापों की क्षमा तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा सही माने में हम प्रभु के साथ मरते हैं, प्रभु के साथ जी उठते हैं। और जब प्रभु के साथ मरते हैं और प्रभु के साथ जब जी उठते हैं, तब हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। यह है बपतिस्मे का सिद्धांत जो है, वो ये सिद्धांत है कि हमें क्या करना चाहिए। अब है बपतिस्मे का लक्ष्य की जब हम बात करते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। आपको पापों की क्षमा तो मिल गई, परंतु आपको प्राप्त क्या करना है। हमें भाई कुछ लक्ष्य भी तो है हमारा कि हम क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। चलो पापों की क्षमा हो गई, पापों की क्षमा के बाद जो है एक लक्ष्य है, लिखा है। अब ध्यान करना, मैं एक लक्ष्य के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक 12 वर्ष से जो स्त्री थी उसके लहू बहता था। अब वो लहू बहता था, उसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया परंतु वो ठीक नहीं हो पाई और बहुत पैसा चला गया और वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही थी। परंतु जब उसने सुना कि यीशु मसीह आया है तो वो दौड़ी दौड़ी चली गई। उसने किसी तरीके से अपने आप को उठाया, उस कमजोरी को नजरअंदाज किया, अपनी कमजोरी को नजरअंदाज किया, अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया और वो यीशु मसीह के पास जाने लगी। मगर वो गई, बोली मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि इसके सामने खड़ी हो सकूं, मैं अगर इसका आंचल का वस्त्र भी छू लूंगी, इसका जो वस्त्र है, इसके वस्त्र का आंचल भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे बस इसका वस्त्र छूने को मिल जाए। अब देखिए, उस जो औरत थी जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, उसने एक लक्ष्य निर्धारित करा और वो लक्ष्य क्या था, यीशु मसीह के वस्त्र को छूना।
अब वो कमजोर थी, बीमार थी और बहुत ज्यादा कमजोर थी। ये किसी के शरीर से अगर 12 वर्ष से लहू बह रहा है तो सोचिए कितनी कमजोरी होगी उसके, उसका तो चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया होगा। परंतु इसके बावजूद भी वो उठी और उसने उस लक्ष्य को जो चारों तरफ यीशु मसीह की भीड़ थी, उस भीड़ को चीरती हुई उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने चंगाई को प्राप्त करा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उसने उसके वस्त्र को छुआ और जैसे ही छुआ वो चंगाई पा गई। आगे की डिटेल आप सबको पता है। और हमारा लक्ष्य क्या, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए कि हमें पवित्र आत्मा पाना है। वो लिखा ना, पवित्र आत्मा का दान पाओगे तुम, हमें पवित्र आत्मा पाना है। दूसरा जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:5 उसमें लिखा हमें नया जन्म प्राप्त करना है, और लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने बपतिस्मा तो ले लिया परंतु अब हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा से भी जन्म लेना है, आत्मा से भी जन्म लेना है। और तीसरा जो है, हमें बपतिस्मे के द्वारा हमें मसीह को पहन लेना है। क्या हमने मसीह को पहना या नहीं, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। गलतियों 3:27 में लिखा हुआ है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। क्या हमने मसीह को पहन लिया है? अगर हमने मसीह को पहन लिया तो सही है, पहनने का अर्थ क्या है? पहनने का अर्थ यह नहीं है कि कपड़े पहने जैसे पहने वैसे पहन लिया। पहनने का अर्थ क्या, फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था यह हमें पता होना चाहिए। हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, हाँ साहब हमने यीशु मसीह को पहन लिया। हम यीशु मसीह का पहनने का मतलब हम यीशु मसीह को पहने हुए, यीशु मसीह का स्वभाव है, पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है, हमने पवित्र आत्मा भी प्राप्त कर लिया। अच्छा भैया क्या कर रहे हो आप? कि साहब कुछ नहीं कर रहे हैं है? तो ये पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। चलिए बड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 पतरस 2:21-23 बपतिस्मे की डिटेल बता रहा हूं मैं आपको। बपतिस्मा है क्या, ये थोड़ी है कि गए अरे आप 16 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, आप बेटा आप तुम बपतिस्मा ले सकते हो, बेटी तुम बपतिस्मा ले सकती हो, चलो तैयार हो जाओ, हाँ थोड़ी सी ये स्टडी कर लो, ये पढ़ लो, दुआ करना सीख जाओ, ये करना, हाँ आज इनका बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा हो गई छुट्टी। ये चीज नहीं है, इसलिए बपतिस्मे के अर्थ को अच्छे से बड़ी गहराई के साथ समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 पतरस 2:21-23, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ऐसा था मसीह यीशु का स्वभाव। आज हमें कोई एक गाली दे दे हम 4 देंगे, कोई अगर हमें धमकी दे दे, अच्छा तो हमें धमकी देना, आ जरा बाहर निकल है, हम उसे धमकी देते हैं, हम बहुत सी बुराई करते हैं। कहां है यीशु मसीह का स्वभाव? बपतिस्मे देने के बाद भी हमारे अंदर ये बातें रहती हैं और फिर हम कहते हैं हमने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को पहनने का मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारे, बिल्कुल गलत है। हमारा बपतिस्मा हुआ ही नहीं, कितनी आप 10 बार 20 बार डुबकी लगा लो परंतु जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक पापों की क्षमा नहीं होगी, जब तक हम नया जीवन प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु मसीह को पहन नहीं लेंगे, जब तक यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा, हमारा बपतिस्मा हो ही नहीं सकता। आप 100 बार डूब जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है डूबने से, चाहे आप यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, चाहे आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, चाहे आप पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, कोई फायदा नहीं है। आपका बपतिस्मा स्वर्ग के अंदर जो है स्वीकार ही नहीं किया गया है। आप प्रभु जब प्रभु के सामने खड़े हो गए तो प्रभु साफ कह देगा इन्हें ले जाओ, मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें जानता ही नहीं हूं मैं। अरे प्रभु हमने तो तेरे नाम से बपतिस्मा लिया, तुझे पहने हुए घूम रहे थे, कहां पहने हुए घूम रहे थे? आदम और हव्वा जो थे जब तक अदन की वाटिका में थे तब तक परमेश्वर को पहने हुए घूम रहे थे, यानी पवित्रता को पहने हुए घूम रहे थे, और जब वो वस्त्र उतर गए, पवित्रता के धार्मिकता के वस्त्र उतर गए, जब परमेश्वर को उन्होंने उतार दिया तब वो नंगे देखने लगे और शर्माने लगे। यही हमारा भी हाल होगा परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां पर कहता है मसीह होने का अर्थ क्या है,
मसीह के स्वभाव में होने का अर्थ क्या है, इसको समझे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पद में क्या लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब बड़ा ध्यान देना कि जो मसीह में है वो मसीह में नई सृष्टि है, यानी पुरानी बातें, जो पुरानी बातें थी बपतिस्मा लेने से पहले, जो भी बुराई थी, जो भी बातें थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो दफन हो चुकी हैं, वो गाड़ी जा चुकी हैं। पुराना मनुष्य तो दफन हो चुका है, गाड़ा जा चुका है, अब बपतिस्मा लेकर जब वो पानी से ऊपर आया है तो वो नई सृष्टि है, नया जीवन है, उसने यीशु मसीह को पहन लिया। अब सब बातें नई होनी चाहिए, यानी प्रभु यीशु मसीह की बातें दिखाई देनी चाहिए, परंतु वो दिखाई नहीं दे रही हैं और ना वो समझ में आ रही हैं। और फिर क्या लिखा, 32 से मसीह का, परमेश्वर का अभिप्राय क्या है, जरा ध्यान दिएगा, यानी परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा क्या है। लूका 7:30 में लिखा है, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया है। यानी बहुत से फरीसियों ने, बहुत से लोगों ने जो बपतिस्मा नहीं लिया, आज हमारे जो वाद विवाद करते हैं और हम लोग बपतिस्मे को लेकर इतना वाद विवाद, इतना चर्चा करते हैं और इस तरीके से कन्फ्यूजन करे हुए हैं कि बहुत सी बिचारी जो भेड़े हैं वो बपतिस्मा ले ही नहीं रही हैं, इसी वजह से कन्फ्यूजन में हैं। और वो जब कन्फ्यूजन में हैं तो वो क्या है, वो परमेश्वर की मंशा को टाले दे रहे हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है उनके लिए, परमेश्वर की जो इच्छा है, जिन्होंने क्यों बपतिस्मा लें, कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी कराना चाहता है। और वो क्या इच्छा है, परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 7:29 में लिखा हुआ है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, कि एक सिर्फ परमेश्वर सच्चा है और इसी सच्चे परमेश्वर के साथ हम चलेंगे और अपने जीवन को जो है परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। ये ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, और ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम उसके पुत्र को पहन लें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब है कि उसके फलों से, उसके गुणों से भर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं और इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें। यह है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसके धर्म और उसके राज की खोज करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम नया जीवन प्राप्त करें, हम आत्मा और जल दोनों से जन्म लें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके वचनों के अनुसार चलें और उसके राज के वारिस हो जाएं। ये सारी इच्छाएं हैं परमेश्वर की और इसको हमें पूरा करना है। बपतिस्मे के द्वारा जो है हम, वहां से शुरुआत होती है हमारी, वो आरंभ है हमारा कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और याद रखें, मैं फिर कहना चाहूंगा, बपतिस्मा किसी भी चर्च का मेंबरशिप नहीं है। अगर आपने किसी भी चर्च में बपतिस्मा लिया, मान लीजिए आप मेरे द्वारा अगर बपतिस्मा ले रहे हैं, मेरे चर्च में अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, तो आप मेरे चर्च के मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी, आप मेंबर नहीं है। बहुत से पादरी लोग कहते हैं, अरे तुमने हमसे बपतिस्मा लिया तुम हमारे चर्च के मेंबर हो। नहीं, बपतिस्मे का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, अपने पापों से मुक्ति पाना, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाना, परमेश्वर के हो जाना, ना कि कलीसियाओं के हो जाना या उन पादरियों के हो जाना या उस चर्च के हो जाना। ये रॉन्ग स्टडी है और ये गलत है। अगर ऐसा जो ऐसा करके अगर कोई बपतिस्मा देता है तो उससे बपतिस्मा बिल्कुल मत लीजिए। वो गलत शिक्षा दे रहा और परमेश्वर के राज से आपको बाहर कर रहा है, क्योंकि बपतिस्मा मेंबरशिप नहीं है, परमेश्वर के लोग बन जाने का शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। प्रभु आप सबको आशीष दें।